हाँ जी भैन, सत श्रीकाल जी। की हाल चाल है थोड़ा? आई होप कि तुसी सारे ठीक होंगे। अज आप बनावांगे जी राजपुरे का मशहूर पनीर टिक्का। पुष्पिंदर जी का फेवरेट। वीडियो ने एंड तक देखना है, ता ही तुसी घर चौमे बना सकते हो जी। ठीक है भैने, सारे भैन भाइयों ने प्यार भरी सत श्रीकाल। आप अगली वीडियो फिर मिलेंगे। हूँ तुसी अपने टिक्के का आनंद माणना है। तंदूरी पनीर टिक्का, उसके लिए हमें जो जो सामान चाहिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने गैस ऑन किया, उस पे तवा रखा। तुसी मैंने बोलिया सी दिल्ली तो, मैंने कमेंट आया सी कि हिंदी बोलना, ता करके मैं थोड़ी हिंदी बोली है। मैं तो हिंदी नहीं बोली आंदी, ता करके मैं पंजाबी जी गल करांगे। तो थोड़ी कहने ते थोड़ी जी बोली है। आपां ने की करना, सब तो पहला तवा गर्म करके ना एदे ते जीरा भुनना है। जो अपना जीरा भुज गया, आप गैस घट कर देंगे, बंद नहीं करना है, इन्हें कट लाँगे। आ देखो अपने जो जीरा है एक प्लेट च कट लेना है। तो हूँ आपने की करना है, जो अपना तवा गर्म है गैस चल रहा है, आपने तवे को फिर गैस से धर देना है। तो आपने सत्तू तैयार करना है। तुम सोचते हो कि सत्तू की है, आपने बेसन लेना है, इन्हें भुन लेना है। तुम किसी कड़ाही भी भुन सकते हो। तो अपना तवा गर्म है, हम आप तवे पर भुन लाँगे। तवा गर्म है पर गैस घट है। इन्हें अपना यह बेसन भुन के सत्तू तैयार होंगे, इन्ने मैं गर्म गर्म जीरा जो कुट लूंगी। अज मेरा कुंडी सोटा है जो गिला पिया है, हजे मैं चकले बेलने से इन्हें पीस लाँगे। ये जरा जीरा भुन आप ने गर्म गर्म ही पीसना, नहीं ठंडा पैन में पीसया जाता है। देखो भुजन में जीरे की खुशबू मैं आने लग गई। जो भुजद उदो भी आ गए, तो जो आप पीस पीसद उदो भी आ गई। अपना जीरा पाउडर भी तैयार है, पर जो कुछ तैयार हो जाता उन्होंने इधर करी जाने। फिर हम तवा तेज करके भुन के तवा बंद कर गैस बंद कर देंगे। इन्हें अपना जोड़ा ये बेसन सत्तू तैयार हुआ तवे से रखा, अपना गैस बंद करता। इन्हें आप इधर तैयारी करते हैं, तो थोड़ा नाल दी नाल दिखाने। आ देखो आप दसिया पनीर आप घर का ही तैयार करते हैं। हम आप पीस कट लेने। आ देखो अपने पनीर के जो एक सार के मोटे मोटे पीस कर ले। तो हूँ आपने ना जो तुम दस दी ये प्याज है, ये मोटी बिलक वाला लेना है। एक प्याज पतला होंगे, एक एवें का होंगे। अपने एवें का प्याज लेना है, जिदा ये छिलड़ मोटा हो। आपने प्याज के सिर्फ चार पीस करने हैं, एवें एक प्याज के। तेनू की करना है, कुछ नहीं छिलना कटना, ये एवें साफ के पीस कट लेने ने एवें करके। देखो यह जो तंदूरी पनीर टिक्का अज आप तवे से बना रहे हैं, बिल्कुल तंदूर वर्गा उन्ना ही टेस्टी जिन्ना असीं राजपुरे खाने हैं। आ देखो जो जो समान लिया थोनू दस दिया। आपने पनीर लिया, सत्तू लिया, प्याज लए, नींबू लिया, ये लसन ते अदरक का पेस्ट है। ये आपने दही लिया, यह अपना चाट मसाला है, ते गरम मसाला है। ते आपने जीरा पाउडर लिया, इधर इधर आपने
लाल मिर्च पाउडर लेना है, नमक ये काली मिर्च तिखे लिए तो आपने काली मिर्च पानी है, ये कश्मीरी मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च जिदा ये मिर्च नहीं होंगी है कलरिंग होंगे ये। सब तो पहला आपने की करना है एक भांडा लेना है, वो आपने दही पा लेना है। ये दही है जोड़ा खट्टा होना चाहिए, मिठा नहीं होना चाहिए। जे थोड़ा दही मिठा है खट्टा नहीं है तो वो नींबू पाना है, बस इन्ना नींबू का असं भी पावे तुम साबता पा सकते हो जो थोड़ा दही मिठा है। हम आप देखो एक नींबू अद्धा निचोड़ा, इन देखो कि रस निकले हाथ ना कर देंगे। कई चीजा खट्टिया वधिया लगदिया ने, कई मिठिया, पर ये खट्टे दही च भी नींबू पैदा। देखो दही के आपने चाट मसाला गर्म मसाला पा देना, हम आपने काली मिर्च पानी है, हूँ आप एक चमचा भर के पावे इस मिर्च का, तुम दसे च मिर्च नहीं है। बेसन पावे जेड़ा आपने बेसन तो सब कुछ तैयार करया सी वो पावे। ये आपने जिन्ना दही है उन्ना आपने बेसन ये सब कुछ तैयार करे बराबर मात्रा में लैना है। जेड़ा जीरा पाउडर सी वो पा देंगे, ते हुण आपां इहदे नमक पावे। आपने नमक है जो टेस्ट अकॉर्डिंग पाना, आप इन्ना अद्धा एक चमच मिर्च का पा सकते हैं नमक का, सॉरी तुसी उस कसूरी मेथी भी पा सकते हो, तो घर का धनिया भी। अज आप उस कड़ी पत्ता पावे अपने गार्डन से आप तोड़ के लिया, देखो ये दरख्त बहुत वड्डा हो जाता है, काफ़ी वड्डा यदा दरख्त होंगे। ये तो आपने हूँ नवा ही लाया, ये आपने हूँ तोड़ लिया। जो आप कढ़ी बनाने वो सुखा कढ़ी पत्ता पाने आप सुखा के रख लें, पर अपना पेड़ा छोटा है आपने ये कट के पाना है हरा हरा ताज़ा ताज़ा। ये जी खुशबू है बहुत ज्यादा वधिया लगती है। आ देखो बिल्कुल एंड पे आप लहसुन अदरक का पेस्ट है जरूर पाना है, पाना भुलना नहीं है। तुम देखो इधर असं एक कड़छी भर के तेल की गर्म होनी धरती, तेल इन्ना ज्यादा गर्म करना है, गर्म होने बाद भी अपन भाफ निकल दिसनी चाहिए तेल च। तो इधर अपने जिन्हें मसाले से सारे ये दही के बेसन के सत्तू में ये सारे मिला लेने ने चंगी तरह। देखो अपने तेल चो धुआं निकल लग गया, आप गैस बंद कर देंगे। तो इधर अपने मसाले सारे घुल गए, तो आपने ना हम की करना एक कड़छी भरी हुई रिझदे रिझदे तेल से ये पा देने, ध्यान नाल पाउणा। देखो आप जगह कड़छी फेर देनी है नाल दी नाल, ते आपने ना एक कड़छी नाल हिलाना, हाथ नहीं भुल के हिलाना है, अपना हाथ सारा मच नहीं बने। जिहड़ा है पेस्ट है साढ़े वांगू एवें तैयार करना है, आराम नाल सारा कुछ पा के फिर एन वधिया पेस्ट बनूगा, ता ही अपना पनीर टिक्का टेस्टी बनू। आ देखो जदों असीं इहदे च रिझदा रिझदा तेल पाया तां इन्नी वधिया खुशबू आउण लग गई। अपना यह मसाला ठंडा हो गया, हाथ धो के आपने की करना है इनू कड़छी साफ कर देना, हूँ आप कड़छी नहीं वरतनी हैगी। आ देखो जिहड़ा अपना पनीर है ना ये हाथ नाल रलाउणा, क्योंकि ये कड़छी नाल फिर टुट जूगा। देखो बिच आपने ये प्याज पा देने ने, असी तो पनीर से प्याज पाया, तुसी कोई शिमला मिर्च वगैरह भी पा सकते हो जिवें प्याज है इन्ना। तो हम आपने की करना है इनू रला देना है, क्योंकि हाथ नाल रलाउण नाल ना ये सारा पेस्ट है जिहड़ा पनीर से लग जूगा, नाले ये टुटूगा नहीं पनीर।
देखो अपन ने तवा धर लिया, धर के गर्म हो गया, फिर असी ने बिल्कुल हल्का जा ये तेल लाना, आप ज्यादा नहीं लाना। आप नॉन स्टिक तवे से भी बना सकते हैं, पर साढ़े को है असं लोहे के तवे से ही बनावे। देखो जी हम तवे चो भी अपने गैस निकल रही है, आप गैस घट करी हुई है, वैसे आप एक एक पीस चकना ये उत्ते आराम रख दी है। देखो अपने पांच पीस रखे ने पनीर के, चार पीस प्याज के रखे ने अपने, तीन बार चलूंगा अपने आराम ना बनाना है, तो अपने काली नहीं करनी है, बस मीठा मीठा बनाना तो मैं टेस्टी बनूंगा अपने। देखो अपन की करना है, अपन एक कुर्चना कोल रखना, चाकू रखना है, तेन आराम ना देखो पहले मैं इधर करूँ फिर इन करूंगी अपन ना चार पासे पकाने ने। देखो ये पासा बिल्कुल पक गया, हूँ अपने की करना है दूजे पीस में भी एवं छेड़ना है, एवं आराम ना पासा एवं पलट देना। देखो एवं ना अपने पासे पलट पलट के इन्हों पकाना है, सारे के पासे कल कल चाके आप पलट देंगे। देखो इधर का पासा आप मिठे मिठे आंच से बना रहे हैं, एवं बन गए, मैं थोड़ी एक दिखा दिनी हाँ, एवं मिठी मिठी आंच से बनाना है। तो इधर आप जो अपना ही बन गया यह पनीर लै लेना है, यह नींबू लै लेना है, तो आपने दही की चटनी ना खाना है, अंबी तो दही की चटनी का इनू खाना है, ये ना भी टेस्टी लगता है। तो आप प्याज भी लवेंगे, बाकी तुम साड़ी वीडियो किमें लगी सू लाइक तो कमेंट करके जरूर दस्यो, साडे चैनल सबसक्राइब कर लियो, अगली वीडियो आप फिर मिलिए। ठीक है जी, पनीर टिक्का तो नहीं बनाना है, बाय बाय।